ओके स्टूडेंट्स, आज हमें आलोचना करिबा साउंड ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट रो जो साउंड अछि तो ताको हमें जानिबा काहे कि हम साउंड करिबा। तो हमें तो जानिछु लेटर, तो छोटो पिला टू आरंभ करी बड़ो पिला पर्यंत जो आर्टिकल क्लास करंती, तो आर्टिकल रे साधारणत मैक्सिमम टाइम रो पिला माने ए एन रो माने इंडेफिनाइट आर्टिकल ए एन रो व्यवहार संपूर्ण भाव रे से माने भूल करंती, मैक्सिमम टाइम भूल करंती। बिकॉज आमे पढ़ीतिलु लेटर, लेटर होचु दुई प्रकार, गुटे होचु भावेल एंड कंसोनेंट। भावेल पूर्वरु एन लगी दउतलु एंड कंसोनेंट पूर्वरु कोन करतलु ना ए लगी दउतलु, बट ये रॉन्ग। भावेल एंड कंसोनेंट नहे, वोकल साउंड एंड कंसोनेंट साउंड ता पूर्व अवस्था को जीवा। जदि तुमरो रूट क्लियर नाही तो आगे को किछि भी करि परिबो नाही। तो आगे आमे कोन करिबा, जो लेटर पढुले, जो लेटर पढ़ुले लेटर केतटा 26 लेटर, तो 26 रु दुई भाग रे विभक्त करा जाय छी, गुटे होचु भावेल एंड गुटे होचु कोन कंसोनेंट। तो भावेल एवं कंसोनेंट, भावेल केतटी ना पांचटी, कंसोनेंट केते ना 21, टोटल केते सॉरी 21 टोटल केते ना 26। तो से 21 एवं 5 ए ई आई ओ यू ये पांचटी भावेल भीतर नउतले एवं अन्य गुडी का कंसोनेंट पूर्व पाइ नउतले। काहे कि भावेल कंसोनेंट पढुतले ना एन प्लस भावेल ए प्लस कंसोनेंट, एन प्लस भावेल ए प्लस कंसोनेंट। जो एन प्लस भावेल हमें पढुतले, हमें पढुतले एन एप्पल, एन एप्पल, एन ऑरेंज, एन ऑरेंज, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला ना हमें ए ई आई ओ यू ए पांच टी जदि कोनोसी नाउन रो पूर्व रु थाए ताहले हमें कोन करले ना एन करले, आउ कोन करले ना ए बॉय, ए बॉय, ए कैट, ए डॉग, हां कि ना एमे। तो कंसोनेंट जो बी सी डी कंसोनेंट पूर्व रु हमें ए लगुले, बट जते बेला आसुची एच, एच ओ यू आर आवर, एच ओ यू ए सी हाउस, आवर आवर और हाउस, आवर हाउस एठी आ उच्चारण होची, एठी ह उच्चारण होची आवर हाउस, तो एठी आ था, तेनु एठी कोन करचे ना एन आवर ए हाउस। किंतु एच अछि कंसोनेंट लेटर अछि, लेटर कंसोनेंट अछि, किंतु आमे कोन करूचे ना एन लगुचे, तेनु कोनसी भी आमे सठिक उपाय रे पहुचि पालु नाही। जो लेटर हो जे लेटर पाखरे आमे भावेल पाखरु एन लगेइबा, कंसोनेंट पाखरु ए लगेइबा, ये डिसीजन संपूर्ण भाबरे रॉन्ग। सेहिति पई आमे विभिन्न प्रॉब्लम फेस करू एवं आमे ए एन रो जो आर्टिकल लगुचु तो ता पई आमे बहुत प्रॉब्लम फेस करू। तो देखो आज पढ़ीबा लेटर पढ़ीबा नाही, याको आमे रॉन्ग बोली कहिबा। तो ये छोट पिला को पाई आमे कोन पढ़ीबा ना साउंड पढ़ीबा। तो देखो छोट पाखरु बड़ पिला माने समस्त कंफ्यूज होंती जे साउंड, एक्चुअली साउंड 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 केते प्रकार ना दुई प्रकार, गुटे होचु वोकल साउंड, गुटे होचु वोकल आ गुटे होचु कंसोनेंट, कंसोनेंट वोकल साउंड एंड कंसोनेंट साउंड। बुझेला वोकल साउंड कोन कंसोनेंट साउंड कोन, जो साउंड टी, जो साउंड टी आमर एयर प्रेशर द्वारा पेट भीतर आमर एयर प्रेशर द्वारा कंठ आकार रे कंठ देई कोनसी बिना बाधा रे, कोनसी बिना बाधा रे जोंती बाहरे ताको आमे वोकल साउंड कहूजे। एवं टंग, टंग टीथ लिप एगुडी को लगेई अन्य फिजिकल पार्ट्स लगे जो साउंड की बाहर करूचे तो ताको आमे कंसोनेंट साउंड कहूचे। बुझेला आमे जो साउंड करूचे ओ आ ई ओ औ एंड ए, एई छोटी जो ओ आ ई ए ओ औ ए हुचु वोकल साउंड, साउंड नॉट लेटर, साउंड वोकल साउंड। यार उच्चारण रे आमे वोकल अर्थात विदाउट हेल्प ऑफ एनी फिजिकल पार्ट्स रे आमे पाई परबा वोकल साउंड एंड असला कंसोनेंट साउंड। तो देखो आज वोकल साउंड एवं कंसोनेंट साउंड विषय रे आमे जो अल्फाबेट इंग्लिश रे जो लेटर पढुचे केते 26 ए पाखरु जेड पर्यंत, तो आमे लेखिबा ए
बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो आम जो इंग्लीश अल्फाबेट लिखीछु ए ए टर साउंड कौन होचु ना ए बी तो बी रो साउंड कौन होचु बो ताने आमे पढ़ीतिलु जो साउंड जो भावेल भावेल एंड कंसोनेंट आमे जो साउंड पढ़ीतिले दीटा भावेल एवं कंसोनेंट एवं से भावेल रो आमे कौन रखीतिलु ओ आ ई ए ओ औ एतिकी साउंड को आमे कौन करथुलु ना वोकल साउंड बोली कहतलु आमे एतिकी को वोकल साउंड बोली कहतलु सेई साउंड पाखरे आमे कौन करथुलु ना एन प्लस वोकल साउंड एन प्लस वोकल साउंड एवं अन्य गुडी को कंसोनेंट साउंड रे आमे लेथिलु। तो देखो वर्तमान आमे ए बी सी डी रो जो साउंड आइडेंटिफाई करिबा प्रथमे देखो ए एटा की प्रकार ना वोकल साउंड ए होचु वोकल साउंड बी ये होचु कंसोनेंट साउंड सी सी दंत से उच्चारण होचु ना सी तनु ये कोन हो कंसोनेंट साउंड बुझिला डी कोन उच्चारण होचु डी ड त ताले कोन ये होचु कंसोनेंट साउंड ए ई ई कोन होचु ई हर्षई तनु ई ई ये होचु वोकल साउंड एफ कोन उच्चारण होचु एफ ए रु स्टार्ट होचु तनु ये होचु वोकल जी कोन वर्गेज तो ये होचु कोन ना कंसोनेंट साउंड बुझिला देखो एच कौन उच्चारण होचु एच लेटर ये कौन कंसोनेंट बट साउंड ये कौन एच 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 सॉरी चोरे हो एच एच कौन होचु ना वोकल कौन वोकल साउंड एच ए उच्चारण होचु आई कौन उच्चारण होचु आ आ रु स्टार्ट होचु तनु ये मध्ये वोकल जे कौन होचु ना जोर स्टार्ट होचु तनु ये होचु कंसोनेंट के के तो ये होचु कोर स्टार्ट होचु तनु ये होचु कौन ना कंसोनेंट एल एल स्टार्ट होचु एल एल रहन एल तनु ये होचु भावेल वोकल साउंड एम एल स्टार्ट होचु तनु ये मध्ये वोकल साउंड एन एल स्टार्ट होचु ये मध्ये वोकल साउंड ओ ये ओ रो स्टार्ट होचु तनु ये मध्ये वोकल हम कहितली ओ आ ई ए ओ औ ये होचु वोकल साउंड पी कौन उच्चारण होचु कोर स्टार्ट होचु तनु ये होचु कंसोनेंट साउंड क्यू क्यू कोर स्टार्ट होचु ये होचु कंसोनेंट साउंड आर आर ये होचु कौन ना वोकल साउंड आर बुझिला एस ये आर स्टार्ट होचु तनु वोकल साउंड हला कि एस ए रु स्टार्ट होचु एस तनु ये होचु कौन ना वोकल साउंड टी टी कौन कंसोनेंट साउंड टी टी टोर स्टार्ट होचु तनु ये होचु कंसोनेंट साउंड यू 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 नॉट हर्षई यू तनु ये होचु कंसोनेंट साउंड बुझिला भी 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 घर स्टार्ट होचु हला कि सॉरी हाँ भी भर स्टार्ट होचु तनु ये होचु कौन ना कंसोनेंट साउंड डब्ल्यू डोर स्टार्ट होचु तनु ये कंसोनेंट साउंड एक्स एक्स ए रु स्टार्ट होचु तनु ये वोकल साउंड बुझला वाई वाई ओ वाई तनु वाई रु कौन कंसोनेंट साउंड वाई नॉट ओ वाई वाई हर्षो हर्षो रु स्टार्ट होचु तनु ये होचु कौन ना कंसोनेंट साउंड जेड जेड मध्ये कौन ना कंसोनेंट साउंड बुझला। तो काही के हमें वोकल साउंड एंड कंसोनेंट साउंड हमें पढ़िले पूर्व क्लास रे हमें आलोचना करे तो एही थरे हमें जतले लिखु छे गुडे आरपीएफ लिखु छे कोन आरपीएफ कोन लिखिबा एन आरपीएफ जतले हमें एम रे लिखु छे एमएलए एन लिखिबा एन एमएलए कोन पाई ना साउंड दृष्टि रो लेटर रे तो ये कोन कंसोनेंट लेटर हे पारे बट साउंड दृष्टि रो वोकल साउंड बुझेला। देन सेही भलिया हमें विभिन्न एच एच हाउस ऑनेस्ट बुझेला ना हाउस ह उच्चारण हो केते बे एंड जदि एच ए र उच्चारण हो त हमें कोन आवर आवर बुझेला। तो ए बुढे विभिन्न जो वर्ड अछि से वर्ड को नै कि एथिले
तो साउंड रो उच्चारण अनुसार जदि वोकल साउंड हेतु ताले एन लगे हो जदि कंसोनेंट साउंड हेतु ताले ए लगे बुझियला बुझियला तो कौनसी प्रकार ए आउ एन रो कौनसी भी आमे हाई स्कूल पखरु विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो माने दउछंती से माने मध्य हालाकि तो आर्टिकल रो बेस क्लियर करंतु आर्टिकल कहां पाखरे लागुची एवं साउंड अनुसार लागुची आर्टिकल कहां पाखरे लागुची आर्टिकल कहां पाखरे लागुची हालाकि जदि नाउन हेतिबो ए जदि जनक ना हेतिबो ताने आमे एन ए बुली कहि परिबा एन ए बुली कहि परिबा बुझियला।